नमस्कार, मैं केसरी मैरी सितारिया और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। आज के मुख्य समाचारों में बिहार विधानसभा चुनाव तथा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की 7 अगस्त को होने वाली पहली वर्चुअल रैली के मद्देनजर बिहार के सत्ताधारी दल जदयू की विधानसभा बार वर्चुअल कार्यकर्ता सम्मेलन 18 जुलाई से आरम्भ होगा। 31 जुलाई तक चलने वाली इस सम्मेलन को पार्टी के प्रमुख नेता संबोधित करेंगे। इसके लिए पार्टी ने अपने 4 प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में 4 टीमें गठित की हैं। पहले इन टीमों को रोजाना 6-6-20 क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन करना था, लेकिन पार्टी ने अब रोजाना 4 ही 20 क्षेत्रों में वर्चुअल कार्यकर्ता सम्मेलन करने का निर्णय लिया है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र सिंह ने पार्टी द्वारा इस सम्मेलन के लिए गठित टीमों की जानकारी दी। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव RCPC के नेतृत्व में गठित टीम में मंत्री संतोष निराला, सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, मंत्री नीरज कुमार तथा विधायक अभय कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष व सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह के नेतृत्व वाली दूसरी टीम में सांसद हरिवंश नारायण सिंह, मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री शैलेश कुमार, मंत्री राम सेवक सिंह तथा मोहम्मद यूनुस हुसैन हकीम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की टीम में मंत्री संजय कुमार झा, मंत्री रमेश ऋषिदेव, मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, MLC तनवीर अख्तर एवं पार्टी महासचिव प्रोफेसर सुहेली मेहता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद ललन सिंह की टीम में मंत्री महेश्वर हजारी, मंत्री मदन सहनी, पूर्व सांसद कहकशाम परवीन एवं विधायक उमेश कुशवाहा को शामिल किया गया है। 18 को इन 16 विधानसभा क्षेत्रों का सम्मेलन जदयू के विधानसभा वर्चुअल सम्मेलन के पहले दिन 18 जुलाई को सभी 4 टीमें 16-20 क्षेत्रों के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेगी। RCP लौरिया, बेतिया एवं नरकटियागंज, वशिष्ठ नारायण सिंह बक्सर, डुमराव, राजपुर एवं रामगढ़ विधानसभा, विजेंद्र प्रसाद यादव बहादुरगंज, ठाकुरगंज किशनगंज एवं आमतौर विधानसभा, जबकि राजीव रंजन सिंह ललन, तारापुर, मुंगेर, लखीसराय एवं बरबीघा विधानसभा क्षेत्र को संबोधित करेंगे। वर्चुअल सम्मेलन सुबह 10 से शाम 5:30 तक चलेगा।